नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज हम चिकन करी बना रहे हैं। 2.5 kg चिकन को मैंने काट के धो लिया है। 5 मीडियम साइज प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। ये 5 से 6 ग्रीन चिली को क्रश कर लिया है। 15 से 20 लहसुन को क्रश कर लिया है और 3 से 4 इंच गार्लिक को भी क्रश कर लिया है। पतीला गरम हो गया है, बड़ा सा पतीला लिया है मैंने, क्योंकि हम बना रहे हैं 2.5 kg चिकन। तो ये देखिए, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा, हम सबसे पहले डालेंगे गार्लिक और जिंजर को। गार्लिक और जिंजर जैसे ही ब्राउन हो जाएगा, हम डाल देंगे क्रश्ड ग्रीन चिली और फिर प्याज। जिंजर और गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे क्रश्ड ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को भी हल्का सा भून लेंगे और फिर हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। अब हमें तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़े। तो तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे अच्छे से भूनने के लिए। यहाँ पे मैंने करी पत्ता भी डाल दिया है। देखिए, 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं प्याज जो है ब्राउन हो गया है। इस स्टेज में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो ये जो नमक जो है, मैं टोटल 2.5 kg के हिसाब से ही डाल रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। और फिर से हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, हमने 10 मिनट और भुना। अब इस स्टेज में मैं फिर से थोड़ा सा करी पत्ता और डाल रही हूँ और अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए, 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं अच्छे से भून गया है। अब हम डाल देंगे सूखे मसाले। ये 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। तो पहले मैंने 1 टीस्पून हल्दी यूज़ किया था, अब ये 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, और अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे मिर्ची पाउडर, जो कि ये मैंने यूज़ किया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून। और फिर मैंने डाला है साधारण सा जो रेड चिली होता है वो वाला पाउडर, जो कि बहुत ही तीखा होता है, वो मैंने 1 टीस्पून डाला है। पेपर पाउडर डाला है 1 टीस्पून। और फिर मैंने यूज़ किया है चिकन मसाला, जो कि मैंने सबसे आखिरी में डाला है, वो 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। सारे मसाले को अच्छे से फिर से भून लेंगे हम। मसाला भून गया है, इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीसेस। तो 2.5 kg चिकन है, तो सारा हम डाल देंगे इसमें।
अभी हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन से पानी निकलेगा, तो इसलिए अच्छे से हमें अब चिकन को भूनना है। जितना ज़्यादा भूनते जाएंगे हम, आप देखिएगा पानी चिकन जो है छोड़ेगा। तो अभी हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से भूनिए चिकन को। लिड से कवर कर लेंगे चिकन को और थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखिए अभी मैं लिड को रिमूव कर रही हूँ और आप देख सकते हैं चिकन ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था मैंने और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है चिकन में। एक बार फिर से मिला लेंगे और ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट बाद जब हम ढक्कन निकालेंगे, आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गया है। एक बार फिर से चिकन को मिला लेंगे। इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, ताकि मुझे ग्रेवी वाली चिकन करी बना रही हूँ मैं, तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं, सेमी ग्रेवी बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है 1 कप। अब हम ढक्कन लगा के अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक आपको डिज़ायर्ड ग्रेवी नहीं मिल जाती और चिकन अच्छे से पक नहीं जाते। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया था और हमारी चिकन करी विद सेमी ग्रेवी तैयार है। और मैंने नमक वगैरह चेक कर लिया था, चिकन अच्छे से पक गया था और चिकन बहुत ही जूसी बना था, नमक भी सही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।